हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और अर्जुन थ्योरी डॉट कॉम वेबसाइट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का नया चैप्टर गाउस प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग, यानी गाउस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ इस चैप्टर को समझने में ध्यान देना है, नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, और आप एक बार उनको चेक करें, अगर आप वहाँ से नहीं ले रहे हैं फिर आप साथ साथ नोट्स ज़रूर लिखें, क्योंकि ये वो नोट्स हैं जिनमें से बोर्ड में 100% इन्हीं में से आने वाला है। ठीक है, ये 100% गारंटी है कि बोर्ड में जो मैंने नोट्स बनाए इनमें से ही आएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक अपन देखेंगे विद्युत फलक्स, यानी फाई, इसको फाई से डिनोट करते हैं, विद्युत फलक्स। ये क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फलक्स कहते हैं। ठीक है, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये इतना कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसको मैं किसी विद्युत क्षेत्र में ले जा कर रख देता हूँ, तो इसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएँ पास होंगी इधर से इधर। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इस पृष्ठ क्षेत्रफल का विद्युत फलक्स। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये एक प्लस क्यू आवेश है, तो अपने को पता है प्लस क्यू आवेश से हमेशा विद्युत बल रेखाएँ बाहर की तरफ निकलती है, तो ये बाहर की तरफ निकल रही है। इसमें अपन को ये पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल समझो आप, उस क्षेत्रफल को इसके अंदर अगर अपन रखते हैं तो उसमें से विद्युत बल रेखाएं पास होंगी, सीधी सी बात है। तो मैंने पहली कंडीशन में ये यहाँ रखा, दूसरी कंडीशन में यहाँ रखा। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल वही है। ठीक है, अलग अलग पेन से मैंने इसलिए दर्शाया ताकि कंडीशन आपको पता लग सके, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ रखा था, सेकेंड कंडीशन में यहाँ। ठीक है, वही क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल इसका कॉन्स्टेंट है। तो पहले अब मैं अपने यहाँ रखा तो इसमें से ज़्यादा विद्युत बल रेखाएँ गुजर रही है, जैसे देखो 1, 2, 3, हालांकि यहाँ 3 नहीं होगी, बहुत ज़्यादा विद्युत बल रेखाएँ निकलती है प्लस क्यू आवेश से। ठीक है, लेकिन ये अपन ने समझने के लिए इतनी विद्युत बल रेखाएँ बनाई है, तो इसमें से 3 गुजर रही है, समझने के लिए आप समझ सकते हैं, और इसमें से 1 गुजर रही है, लेकिन क्षेत्रफल तो वही है, लेकिन इसमें से कम गुजर रही है, इसमें से ज़्यादा गुजर रही है। तो अपन यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि किसी आवेश के पास अगर जितना पास पृष्ठ क्षेत्रफल रखेंगे उसका विद्युत फलक्स, यानी कि उसमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं उतनी ज़्यादा होगी, और दूर जैसे जैसे लेते जाएंगे उसमें विद्युत फलक्स कम गुजरेगा, यानी कि विद्युत बल रेखाएं कम गुजरेगी। कारण ये होता है क्योंकि अपन जैसे जैसे आवेश से दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो R बढ़ता है तो E कम होता है, यानी विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो अपने को पता है विद्युत क्षेत्र कम होता है मतलब विद्युत बल रेखाएं कम होती है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं तो दर्शाती है कि वहाँ क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो समझ में आई बात कि जैसे जैसे आवेश से पृष्ठ अपन दूर ले जाएंगे विद्युत फ्लक्स उसका कम होता जाएगा। तो इसमें से अभी तक आपको यही समझना है। ठीक है, तो इसका फाई वन मैं समझ लेता हूँ, इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स, और इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स फाई टू। तो ये है फाई वन, पृष्ठ क्षेत्रफल ब्लैक, यानी कि जैसे मैंने ब्लैक पेन से दर्शाया, से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या फ्लक्स, ये है फाई वन। और फाई टू क्या है, इस रेड पृष्ठ क्षेत्रफल, रेड से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या फ्लक्स। तो फाई वन इज ग्रेटर देन फाई टू, यानी कि फाई वन यानी इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स ज़्यादा होगा फाई टू से। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये नोट ध्यान में रखना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल की, ये नोट वैसे मैंने बता दिया है लेकिन मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ, पृष्ठ क्षेत्रफल की आवेश से दूरी बढ़ने पर फ्लक्स, यानी कि उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम हो जाता है, यानी कि फ्लक्स कम हो जाता है, क्योंकि आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, फ्लक्स क्या होता है और दूर आवेश से दूर अपन पृष्ठ को ले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अब देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स, यानी कि अपन ने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र एक समान है, परिवर्तित नहीं होने वाला है,
उसके कारण विद्युत फलक्स। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, विद्युत फलक्स क्या होता है उसको समझा, फिजिकली होता क्या है यानी कि कितनी बल रेखाएं उसमें से पृष्ठ में से गुजर रही है वो होता है, फिजिकली अपन ने देख लिया तो बात समझ में आ गई फ्लक्स क्या होता है। अब अपन फ्लक्स का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक, क्योंकि एक साइंस का स्टूडेंट सिर्फ समझने से ही सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि उसको प्रूफ भी चाहिए होता है। तो ये यहाँ से आपको मिलेगा प्रूफ, ठीक है, वहाँ से तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से मिलेगा प्रूफ। तो देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स, माना एस पृष्ठ क्षेत्रफल एक समान विद्युत क्षेत्र ईस्ट सदिश में रखा है। ये माना मैंने ईस्ट सदिश कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी ना तो दिशा परिवर्तित होगी ना परिमाण, इसीलिए अपन इसको क्या कह सकते हैं, एक समान, ठीक है। तो मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में ईस्ट सदिश बह रहा है और इसमें अपन कोई एस पृष्ठ क्षेत्रफल वाला एक पृष्ठ ला के रख देते हैं इस ईस्ट सदिश के साथ थीटा कोण के साथ, थीटा कोण पे, ठीक है। अब ये थीटा कोण किसके बीच में है, पृष्ठ के बीच में नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, ये स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज होते हैं। ये थीटा कोण ई सदिश व एस सदिश के बीच में है। ये एस सदिश क्या है, इस पृष्ठ का नॉर्मल सदिश है। आई बात समझ में, नॉर्मल सदिश मतलब ये मान लो कोई पृष्ठ है, इसका नॉर्मल होगा ये, यानी कि ऐसे इसका, चलो नहीं दिख रहा ऐसे, इस छोटे से समझाता हूँ, ऐसे यानी कि इसके परपेंडिकुलर, तो इसका ये ऐसे है एस, इसका परपेंडिकुलर जो सदिश होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ यानी कि इसके परपेंडिकुलर लंबवत, उसको अपन क्या बोलेंगे, एस सदिश, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल का सदिश या एस वेक्टर, ठीक है। तो ये एस वेक्टर इस पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश होगा उसके और ई सदिश के बीच का कोण थीटा, इस थीटा एंगल पे अपन ला के रख दिया, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा ई सदिश डॉट एस सदिश। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर यानी सदिश, ठीक है। तो अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे अपने पास कोई सी है इज इक्वल टू ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं वेक्टर में, वेक्टर ये है, डॉट प्रोडक्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, ए का मोड बी का मोड कॉस थीटा, या इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अपन ने ई सदिश डॉट एस सदिश होता है तो इसको फाई क्या लिख दिया, ई एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना, जहाँ ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, एस क्षेत्रफल सदिश है, हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल सदिश है यानी कि इस पृष्ठ के लंबवत वाला सदिश, और थीटा ई सदिश व एस सदिश के मध्य कोण है। अब बाकी तो सब कुछ पता लग जाएगा लेकिन यहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर से ध्यान रखें, ई सदिश व एस सदिश के मध्य कोण है, ना कि ई सदिश और पृष्ठ के मध्य कोण है, ठीक है, आई बात समझ में इतनी। तो ये होता है एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण फ्लक्स, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, ई एस कॉस थीटा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कुछ कंडीशन, यानी कि इस पृष्ठ को अपन अलग अलग कंडीशन में रखें तो पृष्ठ मतलब ये विद्युत फ्लक्स कितना आएगा। फर्स्ट कंडीशन है केस वन, यदि कोई पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत रखा हो विद्युत फ्लक्स तब कितना होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर पृष्ठ लंबवत रखा हो, ठीक है। जैसे ये विद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया इस तरफ बह रहा है, एक समान है, और इसमें मैंने पृष्ठ लंबवत रख दिया, ठीक है। पृष्ठ लंबवत मतलब समझ रहे हैं, पृष्ठ एकदम ऐसे लंबवत, जैसे ये ई सदिश इधर है तो पृष्ठ मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे इसके अंदर से, यहाँ समझाता हूँ, ऐसे रख दिया और ई सदिश ऐसे बह रहा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से इसके अंदर से विद्युत बल रेखाएँ गुजर रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका फॉर्मूले से वैल्यू कितनी आएगी, फिर इसको समझेंगे। तो फॉर्मूले से देखते हैं, यहाँ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, कारण क्या है, क्योंकि अपन थीटा किसके बीच में लेते हैं, पृष्ठ के जो लंबवत सदिश और ई सदिश के मध्य, तो पृष्ठ ऐसे रखा है, पृष्ठ ऐसे रखा है तो इसका लंबवत सदिश ऐसे होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ई सदिश है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब बीच का एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब भाई अपन जानते हैं ई एस कॉस थीटा, ये कब लगा सकते हैं अपन, जब विद्युत क्षेत्र समान हो, तो यहाँ अपन देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र समान है तो अपन ई एस कॉस थीटा लगा सकते हैं, इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री, तो फाई जो होगा वो होगा अधिकतम ई एस, यानी कि फाई की वैल्यू होगी वो ई एस होगी, क्योंकि कॉस जीरो का मान वन होता है तो ई एस,
अब इसको मैंने आग साथ में लिखा अधिकतम, यानी कि इस कंडीशन में इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम होगा। अब क्यों होगा मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये तो फॉर्मूले से वैल्यू आ गई, अब इसको समझते हैं ये अधिकतम क्यों होता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो देखना, ये पृष्ठ है, अपने पास कोई पृष्ठ है, ये ऐसे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ठीक है। चलो यहाँ इसी से समझाता हूँ, ये ऐसा कोई पृष्ठ है, इसमें से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। अगर ये लंबवत है इसके, तो इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी। अगर मैं जैसे जैसे इसको टेढ़ा करता जाऊँगा, ऐसे मान लो मैंने थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा रख दिया, ऐसा, ऐसा, ठीक है, तो इसमें से एक विद्युत बल रेखा गुजर रही है, जबकि इस कंडीशन में तीन गुजर रही थी। यानी कि समझ रहे हैं इसकी कहानी, कि जब इसके लंबवत रहेगा तो सारी की सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजर रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे करते रहेंगे ऐसे किसी के कोण थीटा पे टिल्ट करते रहेंगे, वैसे वैसे विद्युत बल रेखाएं ऊपर से या नीचे से गुजरती रहेगी, तो वैसे वैसे विद्युत फ्लक्स कम होता रहेगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है। तो आई बात समझ में, यहाँ मैंने अधिकतम क्यों लिखा था, क्योंकि इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा विद्युत बल रेखाएँ गुजर रही होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया, यानी कि विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही थी, ऐसे, और इसके समांतर मैंने कोई पृष्ठ रख दिया, तो इसमें से कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, क्योंकि सारी ऊपर से निकल जाएंगी या नीचे से निकल जाएंगी, इसके अंदर से कोई नहीं गुजरेगी, क्योंकि ये पृष्ठ बहुत पतला सा पृष्ठ है, उसमें से कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो इस कंडीशन में सबसे कम जो होगा वो होगा, क्योंकि कोई एक भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही, तो ये जीरो होगा, ठीक है। ये आ गया आपको फिजिकली समझ में। अब इसको फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, तो फॉर्मूले से अपन ऐसे देखेंगे कि ये ई सदिश है इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र एक समान। अब इसमें अपने को क्या कहा है, पृष्ठ को कहाँ रखना है, समांतर रखना है, पृष्ठ को समांतर रखना है, तो ऐसे रखेंगे पृष्ठ को, तो ये मैंने ऐसे समांतर रख दिया, ई सदिश के समांतर है पृष्ठ। तो अपन अब देखेंगे थीटा, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या होती है, ई एस कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा, थीटा हमेशा होता है ई सदिश और इस पृष्ठ के लंबवत सदिश के मध्य का कोण। तो ई सदिश ऐसे है, इस पृष्ठ का लंबवत सदिश क्या होगा, ऊपर, तो इन ई सदिश और एस सदिश के बीच एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ये हम जानते हैं। तो ई एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, इसलिए फाई न्यूनतम इज इक्वल टू जीरो। न्यूनतम क्यों होता है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें से इस कंडीशन में कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, ठीक है। तो आगे बात समझ में, अब ये हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स, लेकिन अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र तो असमान भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि अपने पास ये विद्युत क्षेत्र जो दे रखा है, ये एक समान नहीं है, जैसे यहाँ ज़्यादा है, यहाँ फिर थोड़ा कम है, यहाँ कम है बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात, कि विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, जबकि इसमें क्या था, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र था, ठीक है, इसमें एक समान नहीं है। तो इस कंडीशन में अपने क्या देखना है, किसी पृष्ठ से कितना गुजरेगा फ्लक्स, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन क्या है, इस पृष्ठ में एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं मान सकते, तो अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे, एक इतना छोटा जो कि लगभग जीरो होगा, जीरो नहीं होगा लेकिन लगभग जीरो, तो उतने छोटे के अंदर अपन विद्युत क्षेत्रों को क्या मान सकते हैं, समान। जैसे मैं यहाँ एक पृष्ठ लूँ, ठीक है, यहाँ एक पृष्ठ लूँ, इतना छोटा है कि ये एक समान मैं मान सकता हूँ उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ कोई पृष्ठ लूँ, वैसे ही मैंने यहाँ एक कोई पृष्ठ ले लिया जिसमें मैंने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र एक समान है, ठीक है। तो इस पृष्ठ को मैं नाम दे देता हूँ डी एस सदिश, यानी कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो है डी एस, क्योंकि इस पूरे का है एस, डी का मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा कि लगभग जीरो, ठीक है। तो अपन पूरे का न करते हुए सिर्फ एक छोटे का लिखते हैं, ठीक है। तो छोटे का अपन वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे के लिए अपन क्या मान सकते हैं,
विद्युत क्षेत्र को एक समान मान सकते हैं। तो अपन अभी जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा वो लगा सकते हैं, तो वो लगा देते हैं। तो इतने छोटे के कारण फाई क्या आ गया, डी फाई, यानी कि छोटे पार्ट के कारण फाई भी, यानी इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी कम होगा, तो कम उस क्षेत्रफल के कारण फाई डी फाई इज इक्वल टू ई सदिश डॉट डी एस सदिश। वहाँ क्या था, फाई इज इक्वल टू ई सदिश डॉट एस सदिश, ये था। लेकिन यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, बहुत छोटे पार्ट के लिए, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू ई सदिश को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ इतने छोटे पार्ट के लिए, इसलिए मैंने ई सदिश, और एस सदिश पूरे क्षेत्र का था, यहाँ अपन क्या मान रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट, तो डी एस सदिश। तो यह बात आपको समझ में आई, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तक, ठीक है। अब ये बात अगर समझ में आ गई तो अब अपने को पता है इस छोटे छोटे पार्ट जैसे बहुत सारे पार्ट्स मिलके इस पूरे क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तो इसमें खूब सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, ठीक है। इनको अगर जोड़ दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, और उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स भी आ गया, ठीक है। तो अपन जोड़ कैसे सकते हैं इतने छोटे छोटे पार्ट्स को, तो अपने को पता है इंटीग्रेशन यूज करते हैं अपन छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए, तो अपन इसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो समाकलन डी फाई इज इक्वल टू समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। अब इस एक छोटे से पार्ट के फाई को समाकलित कर दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए, इतने छोटे छोटे सबको जोड़ दिया जाए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल फाई, यानी इस पूरे पृष्ठ का फाई। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। यहाँ एक आपको इसके फुट में क्या लिखना है, एस, इसका मतलब ये कि ये पृष्ठीय समाकलन है, ठीक है, ये दिखाता है इसका पृष्ठीय क्षेत्र समाकलन, ठीक है, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन। तो यहाँ आपको एस दर्शाना है, तो फाई इज इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एस ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि ये सदिश है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में अपन क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया असमान विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इसका मात्रक, तो मात्रक अपन कैसे देखेंगे, मात्रक यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, या मात्रक अपन पीछे वाले से भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको जल्दी से समझ में आएगा और आसानी से। ये फाई था, फाई इज इक्वल टू ई और एस, ठीक है, जहाँ ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, जो कि क्या होता है, एफ बट्टा क्यू, ये अपने को पता है कूलम्ब बल बटा आवेश। तो बल का होता है न्यूटन, चलो पहले उसमें रख देता हूँ, ई की जगह एफ बट्टा क्यू, आई बात इतनी समझ में। और ये है एस, ठीक है, एस मतलब क्षेत्रफल। तो अब इनकी यूनिट लिखते हैं, एफ मतलब बल की क्या होती है, न्यूटन, बट्टा आवेश की कूलम्ब, इनटू क्षेत्रफल की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली अपन इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये होती है इसकी यूनिट। अब अपन देखेंगे इसके एग्जांपल, ठीक है, दो एग्जांपल देखेंगे जिसमें आपको हर बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल वन है, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार पृष्ठ, क्षेत्रफल दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर का आयताकार पृष्ठ 5 न्यूटन पर कूलम्ब परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है, यानी कि क्षेत्रफल दे दिया और विद्युत क्षेत्र दे दिया जो कि है एक समान, ठीक है, इस प्रकार रखा जाता है कि समतल ई सदिश के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, समतल ई सदिश के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। अब देखो इसमें नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है, गलती कहाँ करते हैं, सबसे पहले मैं गलत मेथड बताऊँगा कि आप यहाँ गलती कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है करेंगे पर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान दे रखा है, तो ये फॉर्मूला अपन जानते हैं फाई का, और फाई अपने को पूछा है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, फाई में ई का मान रखा 5 न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया का मान ये रखा 10, और कॉस जो थीटा दे रखा है 60 डिग्री रख दिया, 5 × 10 कॉस 60 का मान 1/2, तो फाइनली अब उनका आंसर आ जाता है फाई इज इक्वल टू 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब, जो कि गलत है। अब गलत क्यों है,
गलत, अब देखते हैं सही मेथड। सही मेथड ये है, अपन ने गलती इसमें कहाँ की है, गलती यहाँ की है। मैंने बार बार आपको जोर दे दे के कहा है कि थीटा क्या होता है, थीटा हमेशा होता है एस सदिश और ई सदिश के मध्य कोण, लेकिन ये अपने को क्या दे रखा है, समतल और ई सदिश के मध्य कोण दे रखा है। चलिए एग्जाम मतलब डायग्राम से समझाता हूँ। ये मान लो अपने पास कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ का ई सदिश के साथ अपने को एंगल दे रखा है, ठीक है, 60 डिग्री। लेकिन अपने को पता है एस सदिश किस डायरेक्शन में होता है, इस पृष्ठ से 90 डिग्री पे, यानी कि इसके लंबवत, तो ये होगा इस डायरेक्शन में। अब अपन थीटा कहाँ से लेते हैं, ई सदिश और एस सदिश के मध्य, जो कि होगा ये पूरा है 90, ये है 60, तो ये कितना बच गया, 30 डिग्री। तो थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री। ये आपने गलती की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है आप गलती करो, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो गलती होने का कोई चांस नहीं है। तो अब ये सही मेथड है, फाई इज इक्वल टू एस कॉस थीटा, फॉर्मूला यही लगेगा। थीटा यहाँ क्या है, ई सदिश व एस सदिश के मध्य कोण, ना कि ई सदिश व पृष्ठ के मध्य कोण। तो थीटा 30 डिग्री रखेंगे तो 5, क्योंकि ई का मान 5 है और एस का मान 10 है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मान √3/2, तो फाइनली अपने पास फाई आ जाएगा 25√3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, फाई इज इक्वल टू 25√3 जल्दी में लिख देते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, जो कि गलत है। आप साथ में यूनिट ज़रूर लिखें, जब तक आप साथ में यूनिट नहीं रखेंगे तब तक उस आंसर का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपका आंसर आया 2, सीधा आपने आंसर लिख दिया फाई इज इक्वल टू, ये एक एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ, वो एग्ज़ाम्पल ख़त्म हो गया। आपको मैं यूनिट का महत्व बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप यूनिट ज़रूर लिखें एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्जामिनर नंबर काट सकता है। जैसे आपका फाई आया 2, ठीक है, 2 मतलब 2 N·m² / कूलाम, ठीक है, इसका मतलब तो है कि आपका फाई आया है 2, क्योंकि पीछे आपकी यूनिट लिखी है। आप सीधा लिख रहे हैं फाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 को क्या समझूँ, 2 पेन भी हो सकते हैं, 2 पेज भी हो सकते हैं, 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हाथी घोड़े कुछ भी। तो आपको यहाँ पीछे यूनिट ज़रूर लिखनी है, यूनिट से ही बात पता लगती है कि वो आपने क्या निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिट का क्या महत्व है। और एग्ज़ाम में जो लोग ये सोच के आते हैं हमारे 100 में से 100 आएंगे, लेकिन उनके 1-2 नंबर कट जाते हैं, वो यहाँ कटते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिट मिस कर देते हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे देखते हैं एक और एग्ज़ाम्पल, जिससे आपको लगभग ये जो टॉपिक था विद्युत फलक्स का 100% क्लियर हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। चित्र में प्रदर्शित अर्धगोलाकार पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको ये चित्र दे रखा है क्वेश्चन में, जिसमें ई सदिश इस डायरेक्शन में बह रहा है एक समान, ठीक है, और ये इसका जो ये है क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो पृष्ठ है इसके साथ इसका जो नॉर्मल है वो ई सदिश के साथ थीटा कोण बना रहा है। आई बात समझ में, नॉर्मल मतलब एस सदिश, ई सदिश के साथ, ये इधर ई सदिश है, ई सदिश के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो सीधी सी बात है, अपन थीटा क्या लेते थे, एस सदिश और ई सदिश के मध्य, तो यहाँ थीटा थीटा ही रहेगा। तो अपने फाई क्या कैसे निकालेंगे, फाई अपन जानते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ एस क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक सर्कल बन गया, सर्कुलर, ठीक है, तो सर्कुलर का क्या होता है क्षेत्रफल, ई पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा। तो फाइनली ये आ गया आपका फाई, पाई आर स्क्वायर इंटू ई कॉस थीटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड हिंदी में वीडियोज अपलोड होते रहते हैं। उनको देख के आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, ठीक है। और अगर आपने आपको नोट्स ये ख़रीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।